हाय गाइस, डीआईवाई बाय मौसमी चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी साबूदाना है, जो हम व्रत के लिए भी बनाते हैं और अगर हमारा मन चाह तो हम कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं। लेकिन ये मेरा जो साबूदाना है वो खास व्रत के उपवास के लिए है। तो इसमें मैंने ये साबूदाना लिया है 1 कटोरी। तो ये हम ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे। जैसे हमें कल चाहिए तो हम आज रात को ही इसको धो के 2-3 बार धो के हम इसको भिगाने के लिए रख देंगे। तो भिगाने का तरीका ऐसा है, जैसे हम ये पानी डालेंगे तो हमें ज़्यादा घिस घिस के नहीं धोना है, सिर्फ ऐसे ही धोना है और ये पानी निकालना है। और जितना हमारा ऐसे फिर ऐसे ही पानी ऊपर से डाल के हमें ऐसे निकालना है। ज़्यादा नहीं धोना है क्योंकि वो फिर साबुदाने के ऊपर के जो लेयर है वो हट जाती है। यानी हम जितने बार साबुदाना धोएंगे उतने बार हमारे साबुदाने की लेयर कम होते जाती है। तो जैसे हमारा ये साबुदाना हो गया धुलना, तो हमने इतना पानी पूरा उसका निकाल दिया, लेकिन पूरा पानी नहीं निकाले, हमने कुछ पानी रख दे इसमें, क्योंकि हमें इतना ही पानी चाहिए जस्ट हमारे वो जो साबुदाना है ये ऐसे भीगने को होना। और ये यानी हमारा साबुदाना है तो थोड़ा सा जैसे एक सूद बोलते हैं, या हमें दिखता नहीं दिखता उतनी लेयर हम ऐसे रखेंगे। जैसे ये लेयर बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रही है, तो इतना नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारा साबुदाना फिर गीला हो जाएगा। तो हम पानी थोड़ा सा कम कर देंगे और फिर देखेंगे और कि हमारी जो साबुदाना है पूरा भीग गया कि नहीं, ये देखेंगे। तो मैंने स्टील के बर्तन में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो वाइट बर्तन में दिखेगा नहीं, इसलिए। तो यह हमारा साबुदाना भी भीग गया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं पानी थोड़ा ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते, लेकिन अगर आप धो के रखते हो तो ऐसे जो सरफेस रहता है प्लेन इस पे, तो ऐसा देखेंगे हम कि ये पानी से पूरा भीग गया है या नहीं है करके। उसके ऊपर जस्ट हमें पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि हम धोके ही रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि हम फिर बाद में शेंगदाने आलू वगैरह डालते हैं उसकी वजह से और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फिर इतना ड्राई भी हम खा नहीं पाते। तो इसकी वजह से हमें साबुदाना ऐसे भिगाना है। तो ये हम ओवरनाइट के लिए भी रख देंगे या 3-4 घंटे में भी भीग जाता है। तो हम अगर सवेरे 6 बजे भी डाल दिए तो भी हमारा 10 बजे तक ये फूल कर हो जाता है, तो अच्छी तरह से। तो इसीलिए आप अगर रात को भूल भी गए हो तो सवेरे भी डाल सकते हो, 5-6 बजे वगैरह तो हो जाता है। तो इसको हम अभी भीगने के लिए रख देंगे। तो हमारा ये साबुदाना जो है हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था सोक करने के लिए, तो ये कुछ फूल कर ऐसे हो गया गाइस। और ये हमारा पूरा ही देखिए ये पूरा ऐसे ये हो गया और इसमें पानी भी नहीं, जब हम दबाते हैं तो इसे चिपचिपा नहीं लगता है। तो ये जो है तो अभी हम लोग इसको बनाने के लिए अब जो है तो उसके लिए हमने ये अभी बघार के लिए जो चाहिए रहता है हमें उपवास के लिए, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती, जीरा लगता है सिर्फ, और ये हरी मिर्ची लगती है, और ये जो नमक है वो सेंधे गेंदे नमक बोलते हैं इसको, ये उपवास के लिए ही आता है खास करके। और कोई कोई सादा नमक नहीं डालते हैं, यही डालना पसंद करते हैं, तो फिर इसको सेंधे गेंदे नमक बोलते हैं। तो ये सेंधे गेंदे नमक है और मैंने लाल, मुझे लगता है ये हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होंगी, तो थोड़ा सा साबुदाना थोड़ा तीखा रहा, थोड़ा चटपटा रहा तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने लाल मिर्ची भी ली इसके साथ। और ये जो है करी पत्ता, ये शेंगदाने लिए है हमने, जैसे 1 कटोरी साबुदाना लिए तो ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी भर हो जाते हैं। जैसे 2 कटोरी लिए तो आधा कटोरी वगैरह शेंगदाना हमारा ये ग्राउंडनट हो गया तो भी रहता है, तो भी अच्छा है।
यह हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है, साबुदाना चिपचिपा ना हो इसके लिए। और हमने 3 आलू भी लिए हैं तो वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो जब तक आलू बॉईल होते हैं हम इसको भी सेकेंगे अभी चूल्हे पे। यह हमने तवे पे शिमला ने ग्राउंडनट रख दिए हैं सेकने के लिए, लेकिन मैंने तवा थोड़ा सा वेट किया था, गीला किया था, ताकि हमारे ये जो शेंगदाने हैं थोड़े से भीग जाए, एकदम ज़्यादा नहीं ऐसे भीग जाए, सिकुड़ जाए, और फिर जल्दी से वो इसके छिलके निकले। तो ये अब हम इसको भूनेंगे। गाइज, ये हमारे अभी शेंगदाने हो गए हैं, हमें ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो काले हो जाएंगे तो वो साबुदाने में काले काले अच्छे नहीं लगते, बस छिलके उतर जाएंगे, क्योंकि जब हमने गीला तवा करके रखे थे तो वो सिकुड़ गए थे, अभी एज इट इज़ हो गए, लेकिन इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, तो हम अभी इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं तो हम अभी तवा को बंद कर देंगे। ये देखिए, ये खुलने भी लगे हैं अपने आप कुछ भी। और जैसे कि हमने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे तो मैंने प्रेशर देखे नहीं बॉईल किया किया है आलू कुकर में, क्योंकि हमें ये उपवास का है, और जो हम भाप में पकाते हैं प्रेशर देके तो डाइजेशन के लिए वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो मैं पानी में ही आलू पतीले में उबाल रही हूँ। तो ये मेरे आलू उबल चुके हैं, ये अभी हम शेंगदाने हमारे ठंड हो जाएंगे तो हम छिलके निकालेंगे और फिर साबुदाना बनाने की प्रोसेस में जाएंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, हम तेल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हो, आपको अगर ज्यादा तेल पसंद है तो आप तेल थोड़ा डाल भी सकते हो, या कम तेल में भी हो जाता है ये। तेल गरम हो गया है, हम जीरा डालेंगे, हम कड़ी पत्ता डालेंगे, ये हम बटाटे लिए थे हमने 3, वो डालेंगे। गैस धीमा कर देंगे और ये साबुदाने का कूट लिया था हमने वो डालेंगे। हाँ सॉरी, शेंगदाने का कूट लिए थे हमने वो डालेंगे, मैंने साबुदाना बोल दिया था। और फिर हम ये हमारा साबुदाना डालेंगे। और हम नमक डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको भाप में पकाएंगे। गाइज, हमने ये साबुदाना 5 मिनट भाप में पकाया तो ऐसा हो गया हमारा खिला खिला साबुदाना। और ये जो साबुदाना आपको सफेद दिख रहा है तो वो पक गया है, कोई कोई साबुदाना व्हाइट ही दिखता है और कोई ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो ये हमारा हो गया है, अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है।